नमस्कार दोस्तों, कोरोना के कहर के बीच देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा ही अहम कदम उठाया है और अहम कदम उठाते हुए उन्होंने बहुत ही कड़ा फैसला लिया है और लंबे समय से उद्योगों को चलाने के लिए उनको छूट देने की घोषणा की है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि उद्योगों के बारे में योगी आदित्यनाथ सरकार काफी पहले से सोच रही थी, जो अब उसका ऐलान कर दिया है। सतीश महाना ने बताया कि जल्द ही उन लोगों को पूरी राहत दी जाए। उसके आगे उन्होंने कहा, इस बात का भी संकेत दिया कि वाराणसी और अन्य शहरों के उद्यमियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से कुछ न कुछ जरूर जानकारी दी जाएगी, जो उनके लिए काफी कारगर साबित होगी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर अब पूरे 3 माह के लिए बढ़ा दिया, मतलब कि अब पूरे 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया। जो समय पहले 1 वर्ष हुआ करता था, अब उसे बढ़ाकर 1 वर्ष 3 माह किया जा सकता है। रेड जोन में भी कुछ शर्तों के साथ उद्यम खोलने की अनुमति दी गई है। अब सभी औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यकता और आवश्यक सड़क निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं आदि कार्यों को कराए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी श्रम अधिनियमों में भी लॉकडाउन के चलते कुछ बदलाव किए हैं, जो 3 साल के लिए प्रभावी रहेंगे। औद्योगिक विकास मंत्री ने विभागीय समीक्षा में 38 नियमों के 3 वर्ष तक निष्प्रभावी रहने का आश्वासन दिया है। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी। लॉकडाउन के कारण बहुत से व्यवसाय बंद पड़े हैं, इसी कारण प्रदेश में कारखानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों उद्योगों के लिए 38 श्रम नियमों के 1000 दिवस यानी 3 वर्ष तक के लिए अस्थायी छूट प्रदान की गई है। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? साथ ही साथ यह भी राय दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार या माननीय योगी आदित्यनाथ जी कोरोना के इस संकट की घड़ी में देशवासियों के साथ किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, किस तरीके से इस घड़ी को टाल रहे हैं, किस तरीके से इस संकट की घड़ी से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ न्यूज गुला कमेंट से कमेंट करना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।